वीडियो था पैनल में आज आपके फिर से स्वागत है। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ 55 इंच एमआई का टीवी है, जो कि एमआई का सबसे स्लिम टीवी है। इसका ज़्यादातर डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है और इसका डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम आया था। कंपनी वालों ने विजिट किया था, इसका 70,000 कॉस्ट है सिर्फ डिस्प्ले का। एंड इसका हमने डिस्प्ले अभी रिपेयर कर दिया है। एंड इसमें अभी देख सकते आपको वीडियो में दिखाता हूँ, दूसरा वीडियो लो। सो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे तीन लाइन आ रहा है ब्लैक कलर का। ये लाइन नहीं, इसका बैकलाइट जा चुका है। ये बैकलाइट हम रिप्लेस करेंगे एंड इसको फुल ओके करेंगे, क्योंकि 99% इसका काम हो चुका है। सिर्फ 1% इसमें रह गया है, ये सिर्फ बैकलाइट का है। ये बैकलाइट हम रिप्लेस करेंगे। एंड अभी देख सकते हैं इसका स्क्रीन पूरा ओके हो गया, इसमें डबल इमेज का प्रॉब्लम था। तो गाइस टीवी ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। एंड ये इसका पावर सप्लाई एंड इसका ये मदरबोर्ड एंड यहाँ पे स्केलर पट्टी लगी है। तो सबसे पहले अगर डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो ये इसके ये सामने का जो पट्टी है लोकन का, इसको ओपन करना पड़ेगा। इसके नीचे कॉक है वो चेक करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए पहले तो यहाँ पर साइड में स्क्रू खोलना है एंड यहाँ पर ऊपर भी स्क्रू है, सारे ओपन करने हैं। सुबह इसका पट्टी निकालने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड इसका ये LEDs, इसको हम ऐसे निकालेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद इसको प्रॉपर खोल लेंगे एंड यहाँ पे कॉफ लगी रहती है साइड पे। अगर आपका डिस्प्ले जंप कर रहा है तो यहाँ पे या इस साइड कहीं ना कहीं दोनों में से एक जगह बर्न रहेगा, जला रहता है। एंड अगर डिस्प्ले आपका नहीं आ रहता है तो यहाँ पे दो वोल्टेज रहते हैं। इसको अभी प्रॉपर डिस्प्ले का ओपन करेंगे एंड हम बैकलाइट इसका रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले इसका डिस्प्ले ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट डिस्प्ले कभी नहीं उठाना है। यहाँ पे सबसे पहले एक टेप लगा रहता है वो रिमूव करना। अगर आपने डायरेक्ट उठाया तो आपका डिस्प्ले ब्रेक हो जाएगा, फिर इसको सिर्फ आप फेंक सकते हैं, इसको रिपेयर नहीं कर सकते कभी। दोनों साइड ऐसे रहता है, दोनों साइड निकालना रहता है। ये दोनों निकालने के बाद आप प्रॉपर डिस्प्ले उठा सकते हैं। एंड इसका डिस्प्ले उठाने का भी टेक्निक थोड़ा अलग है। आप थोड़ा साइड से उठा लेंगे एंड यहाँ पे ऐसा अंदर के साइड हाथ डाल के थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करके एंड इसको ऐसा उठा लेंगे। अभी देख सकते इसको हम मैंने उठा के यहाँ पे साइड में रखा। एंड ये इसका जूना बैकलाइट, ये है इसका जूना बैकलाइट। एंड ये हमने मंगाया इसका नया बैकलाइट, ये पूरा फ्रेम के साथ आया है बैकलाइट, तो कहीं पे स्क्रेच वगैरह नहीं है, प्रॉपर एकदम नया है। ये हम रिप्लेस करेंगे, ये इसका जूना बैकलाइट। अगर हम इसका बैकलाइट खोलने जाएंगे तो यहाँ पे पेपर पे स्क्रैच आएगा एंड इस हाथ के भी दाग धब्बे रह जाएंगे। इसके लिए हमने पूरा वही मंगा लिया सेट, तो इसको भी हम उठा के हटा देते हैं एंड नया लगाते हैं। चालू, अभी वापस फिटिंग करने जा रहे हैं। डिस्प्ले फिटिंग करते टाइम ध्यान रखना है दोनों साइड प्रॉपर हो, बैलेंस।
ये हो गया एकदम इसका प्रॉपर डिस्प्ले फिटिंग। अब इसको हम प्रॉपर पैक करेंगे एंड चालू करेंगे। Get on my head. Get on my head. Get on my head.